Hi student, welcome to RCI Azuhub online classes, 12th agriculture, chapter number 8 में दूसरा जो रोग है जो फलों के ऊपर लगता है, अमरूद का मलानी रोग, wilt of guava। ये जो रोग है इसको सर्वप्रथम 1938 में देखा गया, सर्वप्रथम इसे 1938 के अंदर देखा गया था। राजस्थान के अंदर इसे सर्वप्रथम अजमेर जो जिला है उसमें पुष्कर और गनाहेड़ा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में देखा गया। राजस्थान में सर्वप्रथम इसे अजमेर जिले के पुष्कर और गनाहेड़ा में देखा गया था। इसके लक्षण जो होते हैं उसमें सर्वप्रथम जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं, पत्तियां भूरी होकर कलर जो होता है वो उनका भूरा हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भी कमी आती है, से भूरी होकर वो मुरझा जाती है क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जिससे वो मुरझा जाती है। तना जो होता है स्टेम उसका कलर जो होता है वो भी बदल जाता है, उसका रंग बदरंग हो जाता है, अनेक कलर से बदल जाता है जिससे बदरंग हो जाता है। शाखाएं जो होती है वो सूख जाती हैं क्योंकि तने के बदरंग होने से तने के द्वारा जो पदार्थों का संवहन जो हो रहा था उनमें कमी होने की वजह से धीरे धीरे शाखाएं जो है वो सूख जाती हैं। कभी कभी पौधा जो होता है उसका आधा पार्ट जो है वो सूख जाता है और आधा पार्ट जो है वो सामान्य रहता है, हरा भरा रहता है, पुष्प फल भी लगते हैं, तो आधा जो भाग है वो कभी कभी सूखकर नष्ट हो जाता है। पादप जो है उसके तने के अंदर जो कैम्बियम जो क्षेत्र है कैम्बियम क्षेत्र पर भी कवक का संक्रमण फैल जाता है जिससे कैम्बियम क्षेत्र भूरा हो जाता है। संवहन जो उत्तक होते हैं जाइलम और फ्लोयम उनमें कवक का संक्रमण होने से उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो सब रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, जिससे पदार्थों का जो संवहन है वो बाधित होता है, जिससे पौधा जो है वो सूखने लगता है और एक वर्ष में लगभग एक वर्ष की जो अवधि है उस अवधि में पादप सूखकर नष्ट हो जाता है। तो मुख्य रूप से लक्षण जो है वो पत्तियों पर, तने पर, शाखाओं पर, कैम्बियम क्षेत्र और संवहन जो उत्तक है मुख्य रूप से इनके ऊपर पड़ता है जिससे पादप बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। इसके बाद में रोगजनक होता किससे है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। रोगजनक जो है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसकी प्रजाति जो है वो तीन प्रजाति है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइडाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम मैक्रोफोमिना मैक्रोफोमिना और फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फेजियोलिना। ये तीन प्रजातियां हैं जिसकी वजह से जो अमरूद है उसके अंदर मलानी रोग होता है। ये कवक जो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम ये लघु कोनिडियम, गुरु कोनिडियम और क्लेमाइडोजीवन के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, लघु कोनिडियम, गुरु कोनिडियम और क्लेमाइडो बीजाणु इसके रूप में ये पाया जाता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जो होता है ये मृदोड़ होता है, मृदोड़, मृदोड़ का मतलब मृदा के अंदर पाया जाता है, यानी कि अपने जीवन की अधिकांश जो समय है वो किस पे व्यतीत करता है, मृदा में। मृदोड़ होता है जहां पर जीवित अवस्था में रहता है। किसके रूप में, क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में, यानी कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जैसे ही पादप में को संक्रमित करता है और पादप नष्ट हो जाता है उसके बाद में यह भूमि में चला जाता है और भूमि में बहुत लंबे समय तक जीवित बना रहता है क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में। पूछा जा सकता है ये इस रोगजनक जो है वो किसके रूप में मृदोड़ बना रहता है, किसके रूप में जीवित रहता है, तो क्लेमाइडो बीजाणु। लैंगिक अवस्था, इसमें लैंगिक अवस्था जो होती है
वो स्क्लेरोसियम और पिकनिया होती है, दो अवस्थाएं होती है जो कि लैंगिक अवस्थाएं हैं, स्क्लेरोसियम और पिकनिडिया। इस प्रकार से जो अमरूद का मलानी जो रोग है उसकी खोज राजस्थान में कहाँ और लक्षण रोगजनक, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अमरूद का मलानी जो रोग है इसके प्रबंधन यानी रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। हाँ, प्रबंधन देखेंगे इसका। सबसे पहले सस्य प्रबंधन, कल्चरल मैनेजमेंट, कोई भी पौधा जो है उसके रोग लगा हुआ है, पौधे के कौन से भाग में लगा है उस भाग को हम काटेंगे, काटकर मूल पादप से उसको अलग कर देंगे, अलग करने के बाद में उसको जला देंगे। दूसरा, जब नए पौधे हम लाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि नए पौधे जब हम लाएं लगाने के लिए तो रोग मुक्त नर्सरी से हमें लाना चाहिए, ऐसी नर्सरी से नहीं लाएं कि जहाँ पर पौधे जो हैं उनमें रोग लगा हुआ है वहीं से हम लेकर आ जाएं, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन जो है इसमें रोग रोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए, जैसे ढोलका, सिंध, बनासी, नासिक, ये रोगरोधी जो किस्में हैं इनका उपयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक जो प्रबंधन होता है इसके अंदर रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मृदा का उपचार, यानी कि पौधा जो हम लगाते हैं जिस गड्ढे में लगाते हैं उस गड्ढे को उपचारित कर दिया जाता है रासायनिक पदार्थों से, जिसकी वजह से ये जो रोग है ये नहीं होता है। सबसे पहले हम जिस गड्ढे के अंदर पादप को लगाया हुआ है उस गड्ढे को 1.8 kg, लगभग 2 kg चूना या जिप्सम उस मिट्टी के अंदर मिला देंगे। प्रत्येक पादप में, एक पादप के लिए 1.8 kg चूना या जिप्सम इससे चारों तरफ उसके मिट्टी में मिला देंगे। इसके बाद में, इसके अलावा हम कर सकते हैं प्रति पादप गड्ढे में, यानी प्रत्येक पादप के लिए अलग गड्ढा होता है, उस गड्ढे के अंदर 3 g/L, यानी कि 1 L पानी के अंदर हम 3 g थायराम जो आता है उसको घोलेंगे और इस घोल को उसके अंदर हम डालेंगे। नेक्स्ट, जड़ों में 1 g/L, 1 L पानी के अंदर 1 g कार्बेंडाजीम, कार्बेंडाजीम जो होता है, कार्बेंडाजीम इससे उपचारित करेंगे। इसके बाद बाविस्टिंग, बाविस्टिंग जो होता है उसको 1.5 g/L पानी के अंदर घोलेंगे, घोलने के बाद में पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं जिससे पौधे को इस रोग से बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है इसका दूसरा जो रोग है महत्वपूर्ण तो फलों में रहने वाले रोग वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, अमरूद का मलानी रोग। एक बचा हुआ है लास्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।